वहीं नौगाम बनिहाल सेक्टर में बर्फ जमा हो गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने के कारण हाईवे को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुगल रोड और एसएसजी रोड पहले से ही बंद है। फिलहाल नेशनल हाईवे 44 पर यात्रा नहीं करने की लोगों को सलाह भी दी गई है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी बिलाल का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, कड़ाके की ठंड जम्मू कश्मीर में पड़ रही है, लेकिन खास बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन खासा प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, मुगल रोड एसएसजी रोड बंद है, इसके अलावा नेशनल हाईवे 44 पर भी ना जाने की सलाह दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन पर खासा असर इसका देखने को मिल रहा है बिलाल। देखिए जैस्मीन, जो वेदर फोरकास्ट था उसके मुताबिक 11 तारीख से ही जम्मू कश्मीर में जो है मौसम खराब हुआ। पहले बारिशें हुई, बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई और दो दिनों से लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर पूरे जिला रामबन में, खित्ता पीर पंचाल और खित्ता चिनाब में पड़ रहा है और भारी बर्फबारी हुई है बालाई इलाकों में, बल्कि हर जगह बर्फ ने अपना असर दिखाया, बर्फ पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि बानिहाल नवयुगा टनल के पास में बर्फबारी ज्यादा हुई, काजीगुंड की तरफ भी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर इस वक्त स्नो क्लियरेंस जो वर्क है वो प्रोसेस में है। वहीं पंठियाल के मकाम पर जो स्टील टनल है उसको शूटिंग स्टोन की वजह से काफी डैमेज हुआ, वहां पर भी रिस्टोरेशन का काम जारी है। और रात की अगर हम बात करेंगे तो मिहार कैफेटेरिया के पास भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट को टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया। कल शाम तक कोशिश की गई थी कि दरमांदा गाड़ियों को जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे उनको क्लियर किया जाए, लेकिन रात के वक्त जब भारी बारिश हुई तो उसके बाद गाड़ियों को फिर से बंद कर दिया गया। आज दिन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करेंगे तो दोनों तरफ से लाइट व्हीकल्स को चलने की इजाजत तो दी गई थी, लेकिन शर्त यही थी कि शाहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो उसका रिस्टोरेशन का